आज हम बात करने वाले हैं पेपर वन जो जनरल टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर कि किस तरह से उसका सिलेबस रहेगा। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि टोटल जो हैं इसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। दैट मीन्स कि 100 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। टोटल 10 सेक्शन रहेंगे इसके अंदर, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ICT, इन्वायरमेंट, मैथमेटिकल का कुछ सेक्शन रहेगा, कुछ आपका लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन रहेगा। इसी तरह से आपके 10 सेक्शंस को डिवाइड किया गया। हायर एजुकेशन का सेक्शन रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे, किस तरह से उसका सिलेबस होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग के बारे में आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कैसे कौन सा कैसा लेवल होना चाहिए, कौन सा आप मॉडल यूज़ करेंगे कि क्लियर हो जाए बच्चे को करेक्टरिस्टिक। देन लर्नर के बारे में आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली, ओके। बट आपको सारा कुछ ये जो है ये हायर लेवल के अकॉर्डिंग करना है, ओके। एंड फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, लाइक कौन से फैक्टर होते हैं फिजिकल या फिर जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कॉग्निटिव लेवल पे या इमोटिव लेवल पे, वो आपको देखना पड़ेगा। देन मेथड्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन जो टीचिंग होती थी वो ऑनलाइन हो गया है वो, या गवर्नमेंट ने जो भी न्यू एप्लीकेशंस लॉन्च की है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में टीचिंग का सपोर्ट सिस्टम कौन सा होना, मॉडर्न या ICT बेस्ड कौन सा बेस्ट है। इवेल्यूएशन सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट कि एलिमेंट्स इवेल्यूएशन के टाइप्स कौन से होते हैं, चॉइस बेस्ड, क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन। और आपको फोकस करना है हायर एजुकेशन के ऊपर टीचिंग करनी है। टीचिंग तो हर लेवल की होती है बट आपको हायर लेवल पे फोकस करना है, ओके। देन रिसर्च एप्टीट्यूड, इन ये उन बच्चों के लिए एज पे रहेगा ये वाला जिन्होंने रिसर्च के फील्ड में कुछ किया है, अपने रिसर्च पेपर्स पे वर्क किया है, उन बच्चों को समझना थोड़ा इजी रहेगा। रादर जिन्होंने इस फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं गेन किया, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमें करके ज़्यादा समझ में आते हैं प्रैक्टिकली, तो जिन्होंने किया उनके लिए तो ये इजी है, बट थोड़ा सा टफ रहेगा जिन्होंने इस फील्ड में कुछ नहीं किया है। सो इसमें रहेगा रिसर्च के मीनिंग टाइप्स और मेथड ऑफ रिसर्च क्या होता है, स्टेप्स, थीसिस, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, रिसर्च एथिक्स। देन आपका रहेगा कॉम्प्रिहेंशन, आपको पैराग्राफ सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। एंड देन आपका कम्युनिकेशन का रहेगा, कम्युनिकेशन में आपको जिस तरह से कम्युनिकेशन के टाइप, मीनिंग, करेक्टरिस्टिक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होती है, वर्बल या नॉन वर्बल, और बैरियर्स क्या रहेंगे मास मीडिया और सोसाइटी का उसका रोल। मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर आपको टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड फैक्ट, इसके अंदर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंदर आपको ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं इन इन पे आपको फोकस रखना है। एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंट, अप टू 10th लेवल का आपको मैथ पूछा जाएगा इसमें। देन लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, इसके अंदर आपकी रीजनिंग भी आ जाती है थोड़ा सा, जिस तरह से आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन लाइक दिस, एंड इवेल्युएटिंग एंड डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, एनालॉगीज, वेन डायग्राम, ये आपका रीजनिंग का पार्ट हो गया है। फिर इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ लॉजिक, फिर प्रमाण्स एंड स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, इन्फ्रेंसेस, है ना। देन डाटा इंटरप्रिटेशन ये आपका रहेगा, इसके अंदर सोर्सेज, एक्विजिशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस। देन आपका रहेगा इंफॉर्मेशन, यानी कि ICT के बारे में, ICT की एब्रिविएशन, टर्मिनोलॉजी, बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, इंटरनेट और इंट्रानेट में बेसिक डिफरेंस क्या है, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, ICT एंड गवर्नेंस। देन रहेगा पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इसके अंदर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा बिकॉज इसमें क्या रहता है कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको डे टू डे जो लाइफ में हो रहा है उससे भी इसको रिलेट करना पड़ेगा। लाइक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट गोल्स, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, एनवायरनमेंटल इश्यूज लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशन हो रहा है, इंपैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, देन एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स जो भी हैं उसके बारे में, और फिर देन रहेगा लास्ट हायर एजुकेशन। इसके अंदर आपको
थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी कुछ हमारे लिए न्यू टर्मिनोलॉजीज रहेंगी, लाइक इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, इवेल्युएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, एंड ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का रोल, ये सब मिला के हायर एजुकेशन बनेगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर द यूजीसी पेपर वन सिलेबस. सो थैंक यू एवरीवन.